देखिएगा, दिसंबर 2009 5C, देखो ये क्या बोल रहा है, अ कंपनी प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट, द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 69.50 पर टन। लीजिएगा, आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है रुपीज 69.50, फिर आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है रुपीज 35.50, एंड देन आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है 18,02,000। मैंने टोटल में लिख ली 18.02 को। नाउ पहला क्वेश्चन इसने पूछा है ब्रेक इवन वॉल्यूम कैलकुलेट करके बताइए। तो कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं हम, एस माइनस वी 69.5 माइनस 35.5 निकालिए, 69.5 माइनस 35.5, 34 रुपीज आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। तो बीईपी अपन निकाल लेंगे 18,02,000 की फिक्स कॉस्ट और डिवाइडेड बाय 34 रुपीज पर यूनिट, 53,000 यूनिट। ये लीजिए, ये आपका बीईपी का पॉइंट आ गया। अब देखिए इसने सेकंड क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना, ये बोल रहा है कि ये जो ब्रेक इवन वॉल्यूम है ये 40% कैपेसिटी को प्रेजेंट कर रहा है, तो आपको 80% कैपेसिटी का प्रॉफिट निकालना है। देखो हमें ये पता है कि बीईपी जो होता है वो नो प्रॉफिट नो लॉस है, यहां तक हमारी सारी कॉस्ट कवर हो चुकी है और ये बता रहा है हमारे 40% कैपेसिटी को। बहुत ध्यान से सुनना, तो अगर मैं 80% कैपेसिटी पर जाऊंगा, यानी अगर 40% पर 53 है तो अगले 40 पर भी 53 होगी। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई 53,000 यूनिट अगर 40% पर है तो 80% पर आपकी यूनिट क्या होंगी, 1,06,000। क्लियर? अब 1,06,000 में से 53 तो आपका ब्रेक इवन है, तो इस पर तो प्रॉफिट लॉस हो ही नहीं सकता, यानी आपने जो कमाया होगा वो अगले 53 पर कमाया होगा। एग्री? तो लीजिए मैंने यहां लिखा एडिशनल 50,000। अब इस पॉइंट को आप बाद में कॉपी करना, पहले समझो एडिशनल 53, ठीक है, ये भी आपके 40% को रिप्रेजेंट करेगा, 40% कैपेसिटी। आगे सुनना, अब ये क्या बोल रहे हैं कि प्रॉफिट निकालो लेकिन कंडीशन क्या है, अगर जितना एडिशनल है उसका 20% की सेलिंग प्राइस 10% से गिरा दो। बताओ मुझे, अगर 40% का एडिशनल 53 है तो 20% की वैल्यू क्या होगी, कितनी यूनिट हुई 20% के लिए, 26,500 यूनिट। वापस से सुनना, वो क्या बोल रहा है, रिडक्शन इन सेल प्राइस कर दो 10%, एडिशनल 20% प्रोडक्शन पर। इधर आओ, एडिशनल आपकी 53 है जो कि 40% को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 20% को रिप्रेजेंट करने वाली यूनिट 26,500, और इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 69.5 माइनस 10%, 69.5 माइनस 10% दैट इज 62.55। वेरिएबल कॉस्ट वही रहेगी तो कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, सत्ताईस पॉइंट जीरो पांच।
26,500 कैसे आया? ये देखो, आपकी जो 53,000 एडिशनल यूनिट हैं, अगर ये 40% पर हैं, तो 20% यूनिट कितनी होंगी? बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझो, मैं वापस बोल रहा हूं, उसने एडिशनल 20% बोला है। सुनोगे? अगर 40% पर एडिशनल 53 है, तो 20% पर एडिशनल कितना हो गया? 26,500 हो गया। और जो अगला एडिशनल 20% है, ये भी 26,500 हुई। इस पर सेलिंग प्राइस उसने बोली है 20% कम कर दो, सॉरी 15% कम कर दो, तो 69.5 - 15% 59.075। वेरिएबल कॉस्ट रहेगी 35.5, कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लो। अब यहां रुको और पहले इसको समझो आराम से। ये इन 26,500 का कॉन्ट्रीब्यूशन है और यहां पर इन 26,500 का कॉन्ट्रीब्यूशन है। केवल और केवल लैंग्वेज पकड़नी है बस क्वेश्चन की। मैं आपको फिर समझा रहा हूं, देखो वो बोल रहा है अगर ब्रेक इवन वॉल्यूम 40% कैपेसिटी को प्रेजेंट करे तो प्रॉफिट 80 पर निकालना है। तो समझो अगर 40 से 80 पर पहुंचे तो कितने से बढ़ाए, ये एडिशनल कितना हुआ? ये हुआ एडिशनल 40%। एग्री? तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर अभी 40% के लिए 53 है तो अगले 40 के लिए भी तो 53 ही रहेगी। हाँ विशाल, मैं पूरा ही बता रहा हूं वापस। मैं ये बोल रहा हूं 40 से अगर 80 कैपेसिटी हुई तो कैपेसिटी कितने से बढ़ी? अगर 40 से बढ़कर 80 जाओगे तो कैपेसिटी कितने से बढ़ेगी आपकी? 40 से बढ़ेगी। उस एडिशनल 53,000 यूनिट भी 40% कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेंगी या नहीं करेंगी, बताओ? यानी ये मैं एडिशनल लिख रहा हूं, एडिशनल 40% की यूनिट है 53। बोलो यहां तक क्लियर है क्या ये पॉइंट? क्लियर है? आओ अब आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्या बोला, उसमें से एडिशनल 20% निकालो। तो अगर ये 40% एडिशनल है तो 20% एडिशनल कितना हुआ? अगर 40% 53 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 20% 26,500 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो विशाल, आया पॉइंट समझ में? आ गया। तो अगला 20 भी 26,500 ही हुआ, हमने उसको कैटेगराइज कर दिया आधे आधे में। अब आगे चलो, वो बोल रहा है इस एडिशनल 20% के लिए तो सेलिंग प्राइस को 10% कम कर दो और इस एडिशनल 20% के लिए सेलिंग प्राइस को 15% कम कर दो, इसको 20 और इसको 15। तो मैंने नया कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल दिया। नाउ अब अपन अच्छी तरह से जानते हैं बीईपी तक आपकी फिक्स कॉस्ट कवर हो चुकी है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अब आपका जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो केवल और केवल प्रॉफिट को डिनोट करेगा। आप देखो, आपको पता है जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बनेगा तो इसमें प्रॉफिट कितना हो गया, 26,500 यूनिट इंटू 27.05 और इन यूनिट का प्रॉफिट हो गया 26,500 यूनिट इंटू 23.575। निकाल लीजिए कितना आ गया, ये आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा एडिशनल यूनिट पर 26,500 इंटू
27.05 और 26,500 इंटू 23.575, टोटल आ गया 13,41,562.50। ये आपका आंसर हो गया। अब आप समझ लें आराम से और कॉपी कर लें। क्वेश्चन छोटा सा था लेकिन लैंग्वेज उन्होंने घुमा दी, इस वजह से थोड़ा सा इसमें पॉइंट नए आ गए। सर, हाँ जी सर, आपने कंट्रीब्यूशन से ना उसको यूनिट्स को इंटू करके कैसे प्रॉफिट निकाल लिया? तो और क्या होगा बताओ, कंट्रीब्यूशन किस किस के बराबर होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। लेकिन फिक्स कॉस्ट तो आप पूरी रिकवर कर चुके हो ना बीपी तक। यस सर, यस सर। तो इसका मतलब अब ये तो जीरो हो गई, तो ये जीरो मतलब अब कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा? प्रॉफिट। yes, तो बस मैंने डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट को, तो मेरे पास वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट के बराबर आएगा। ओके सर। थोड़े से क्या, देखिए कई बार कुछ क्वेश्चन एडवांस हैं तो थोड़ा सा बस एनालाइज करना है, फॉर्मूले वही लगेंगे बट क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है। कर लीजिए सभी जन, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, हटा दूं भाई सबका? हो गया ना फिर मैं। करो करो विशाल जल्दी। बस फर्स्ट ग्रुप का तो कल तक खत्म हो जाएगा, फिर सेकंड ग्रुप का स्टार्ट होगा। क्वेश्चन ही बचे हैं, फर्स्ट ग्रुप में तो बस दो टॉपिक हैं छोटे छोटे, बाकी तो सिर्फ अब क्वेश्चन बचे हैं। तो आज आपके पास बहुत होमवर्क है, आराम से हो गया क्या विशाल? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइएगा जून 2010, देखो क्या बोल रहा है। अ फैक्ट्री इज करंटली वर्किंग एट 50% कैपेसिटी एंड प्रोड्यूसेस, अभी तो लोगे ना दो दिन तो, हाँ मैं बता दूंगा जब स्पेसिफिकली सेकंड ग्रुप के टॉपिक करवाऊंगा तो मैं बता दूंगा, तो फर्स्ट ग्रुप वालों को नहीं आना रहेगा। हाँ बिल्कुल, अभी तो स्कैनर चल रहा है तो आना ही आपको, ये फर्स्ट ग्रुप का ही स्कैनर करवा रहा हूं। आइए, अ फैक्ट्री इज करंटली वर्किंग एट 50% कैपेसिटी एंड प्रोड्यूसेस 5,000 यूनिट्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹90 पर यूनिट एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। जस्ट दो मिनट पहले यश मैंने इसी क्वेश्चन का आंसर दिया है, जय किशन ने भी यही पूछा था ये चैप्टर कब फिनिश होगा, दो मिनट पहले ही बोला मैंने। फर्स्ट ग्रुप के लिए दो दिन लगेंगे, सेकंड ग्रुप के टॉपिक को अभी 5 दिन और लगेंगे। आइए मटेरियल कॉस्ट ₹50 दे रखी है, लेबर ₹15 हैं, फैक्ट्री ओवरहेड 15 है जिसमें से ₹6 फिक्स्ड हैं, ₹9 वेरिएबल हो गए, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ₹10 हैं,
₹5 फिक्स्ड हो गए और ₹5 वेरिएबल, करंट सेलिंग प्राइस है 100। अब ये बोल रहा है अगर 60% पर वर्किंग करोगे तो मटेरियल कॉस्ट 2% से इंक्रीज हो जाएगी और सेलिंग प्राइस 2% से गिर जाएगी। 80% पर वर्किंग करोगे तो मटेरियल कॉस्ट 5% से बढ़ जाएगी और जो सेलिंग प्राइस है वो 5% से गिर जाएगी। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपको करंट प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद प्रॉफिट निकालना है 60% पर और प्रॉफिट निकालना है 80% पर, और आपको यह बताना है कि इनमें से कितनी कैपेसिटी पर आपको प्रोडक्शन करना बेस्ट है। तो देखो सीधी सी बात है, तीनों लेवल पर प्रॉफिट स्टेटमेंट बना लूं कि अगर मैं 50% पर काम कर रहा हूं तो क्या प्रॉफिट, 60 पर काम कर रहा हूं तो क्या प्रॉफिट। और जिस लेवल पर मुझे प्रॉफिट हाईएस्ट होगा मैं उसी को क्या कर लूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा। तो लिखो प्रिपरेशन ऑफ बस प्रॉफिट स्टेटमेंट बताना है आपको। लिखिएगा, कॉलम बना लीजिए, यहां 50%, 60% और 80%। देखिएगा आपको दे रखा है 50% कैपेसिटी पर 5000 यूनिट हैं, तो यहां 60% पर 6000 यूनिट हो जाएंगी और 80% पर 8000 यूनिट हो जाएंगी। ये मैंने यूनिट्स निकाल दी। आइए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, देखिए डायरेक्ट मटेरियल फुल्ली वेरिएबल होता है, ₹50 पर यूनिट लगेगा। तो अगर 5000 यूनिट बनाओगे तो 5000 इंटू 50 250 लगेगा, यहां 3 लाख लगेगा और यहां 4 लाख लगेगा। यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने मटेरियल को। डायरेक्ट लेबर भी ₹15 पर यूनिट है, 75,000, 90,000 और 1,20,000। फैक्ट्री ओवरहेड में दो हिस्से हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। देखिएगा ₹15 के टोटल फैक्ट्री ओवरहेड हैं, ₹6 फिक्स्ड हैं और ₹9 आपके क्या हो गए, वेरिएबल। तो पहले जरा वेरिएबल निकाल लो कितना बना, ₹45,000, फिर यहां पर 54,000 और यहां पर 72,000। बोलो क्लियर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब एक बार फिक्स्ड पर डिस्कशन बाद में करूंगा, पहले एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का भी वेरिएबल और फिक्स्ड। ओहो सॉरी सॉरी मैंने गलती कर दी ना, 60% पर मटेरियल कॉस्ट 2% से बढ़ रही है, तो मटेरियल मटेरियल थी ₹50 प्लस 2% 51 × 60,000 ये मैंने गलत कर दिया है, ये 3,06,000 आएगी आपकी। और यहां पर मटेरियल कॉस्ट में चेंज था 5% का, तो ये आ जाएगी 4,20,000। बिल्कुल ठीक है अंजलि, आपने सही लिखा था, कर दिया ना। जीरो को 6 बनाना है और इस जीरो को 2 बनाना है, बन जाएगा यहीं पर
क्या दिक्कत है? छह तो आसानी से बन जाएगा, 3,06,000 क्यों हो गया? 2% इंक्रीज हो रही है ना प्राइस, अभी ₹50 है पर यूनिट, इसमें प्लस 2% जोड़ो तो एक यूनिट ₹51 की हो गई, और अगर आप 6,000 यूनिट लोगे तो 3,06,000 की मटेरियल कॉस्ट लगेगी। इधर मटेरियल 5% बढ़ रही है तो 50 में प्लस 5% जोड़ोगे तो ये आएगा 52.5 और इंटू 8,000 यूनिट तो ये आ जाएगा 4,20,000, ये आपकी मटेरियल कॉस्ट हो गई। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन पर निकालिए, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? ₹5। पच्चीस, तीस और चालीस, सॉरी, अब फिक्स्ड पर आते हैं। यहां तक निकाल लिया सबने? चलिए अब बताइए मुझे, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड ₹9 पर यूनिट दे रखा है, कैसे निकालोगे बताओ? सॉरी, ₹6 पर यूनिट, सॉरी। और फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ₹5 पर यूनिट। ₹30,000। आपको यह पता है कि आप यूनिट कितनी भी बनाओगे, आपकी जो फिक्स्ड ओवरहेड हैं वो फिक्स्ड ही रहेंगे। यानी अगर आप 50% पर काम कर रहे हो तो भी फिक्स्ड ओवरहेड उतने ही लग रहे होंगे, और 60 पर भी उतने ही लगेंगे, और 80 पर भी उतने ही लगेंगे। तो बताओ 50% पर आपको दे रखा है, फिक्स्ड है ₹6 पर यूनिट। ठीक है, तो यहां लिख दो 30,000 अब मुझे एडमिनिस्ट्रेशन बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन कितना आ जाएगा? ₹5 है, फिक्स्ड क्यों लेंगे? प्रॉफिट निकालना है ना, प्रॉफिट कैसे आता है अंजलि? कंट्रीब्यूशन नहीं निकालना, उसने बोला है प्रॉफिट स्टेटमेंट बताइए। रुको रुको अंजलि रुको, कंट्रीब्यूशन निकालते हैं तो अपन वेरिएबल लेते हैं, फिक्स कॉस्ट को इग्नोर, बट क्वेश्चन में प्रॉफिट मांगा है तो प्रॉफिट के लिए तो अपने को फिक्स कॉस्ट भी लेस करनी है। लीजिएगा 25,000 और 25,000 लीजिए, ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई, जोड़ दीजिए इनको, फिर सेल्स लिख देंगे अपन और प्रॉफिट आएगा। टोटल करके बताइए मुझे, कॉस्ट का टोटल कितना आ रहा है? सेल्स में ये यहां पर क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस है ₹100 पर यूनिट, यहां तो 5,00,000 की सेल हो जाएगी, और कॉस्ट बता रहे हो आप 4,50,000,
तो यहां पर इस लेवल पर प्रॉफिट आ जाएगा 50,000, ये प्रॉफिट है। फिक्स कॉस्ट कैसे निकालिए, ये देखो फिक्स कॉस्ट 6 रुपए पर यूनिट है और अभी आपकी जो लग रही है वो 5,000 यूनिट पर कितनी लग रही है? तीस। तो आप चाहे कितना भी प्रोडक्शन कर लो, आपकी फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी। तो यही जो 30,000 है वो आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई। और उसी तरीके से यहां पर 5,000 × 5 अभी लग रही है आपकी 25,000। हाँ, इसकी कॉस्ट बताओ 60% पर कितनी आ रही है? सेलिंग प्राइस को वो बोल रहे हैं 2% गिर गई, तो यानी 100 − 2% × 6,000 यूनिट। तो सेल्स तो आ गई 588 और इधर सेल्स आएगी 5% गिर गई, तो 95 × 8,000, 7,60,000। कॉस्ट बता दो एक बार, 60% पर कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी? 525। फाइव थर्टी फाइव टोटल सही करो भाई आप लोग, ये 535 और 80% की कॉस्ट का टोटल 7,07,000। प्रॉफिट निकाल लीजिए, यहां आ गया 53, फिर आपका आ जाएगा 588 − 535, दैट इज 53,000, और 7,60,000 − 53। अब एक समस्या हो गई, अब आप डिसीजन कैसे लोगे, क्योंकि ये भी आपको 50% कमा कर दे रहा है और ये, सॉरी, ये भी आपको 53,000 दे रहा है और ये भी आपको 53,000 दे रहा है। सेल्स कैसे ली, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, क्या हो गया भाई? प्रेजेंट में सेलिंग प्राइस 100 रुपए हैं और प्रेजेंट की यूनिट है 5,000, तो 5,000 × 100 5 लाख हो गया। 60% पर जाओगे तो सेलिंग प्राइस 2% से गिर रही है, तो यानी अब आपकी सेलिंग प्राइस 98 रुपीज रह गई और इंटू 6,000 यूनिट, तो 588 आपकी सेल्स आ गई। 80% पर जाओगे तो सेलिंग प्राइस 5% से गिर जाएगी, तो यानी 95 रुपीज बची और इंटू 8,000 यूनिट, तो ये आपके पास सेल्स आ जाएगी। सिक्सटी वाले में 545 है, कैसे है भाई? 3,06,000 प्लस 90,000 प्लस 64,000 प्लस 545 आ रही है क्या ये? अच्छा, ये 54 है। हाँ, तो अब बताइए डिसीजन कैसे लोगे,
नहीं नंदनी, प्रॉफिट सेम है तो अब क्या करें? दो तरीके हैं, देखो डिसीजन प्रॉफिट पे ही लेना है क्योंकि उसने प्रॉफिट कैलकुलेट करवाया है। मुझे एक बात बताओ नंदनी, अपन 53 कमा सकते हैं 588 की सेल पर, तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लें अपन। आप समझो यहां पर कम सेल पर आप 53 कमा रहे हो, यहां ज्यादा सेल करके 53 कमा रहे हो, बताओ क्या बेटर है? कम से कम यूनिट के द्वारा ज्यादा प्रॉफिट कमाना या ज्यादा से ज्यादा यूनिट के द्वारा प्रॉफिट कमाना? कम। और इसका एक और तरीका होता है, आप नेट प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो। देखो आप अगर 53,000 कमा रहे हो 588 पर, तो आपका नेट प्रॉफिट रेशियो आ गया 9.01%, और यहां 53 कमा रहे हो 7,06,000 पर, तो आपका जो रेशियो आया वो आ गया 7.51। बताओ क्या करना चाहिए? किस कैपेसिटी पर वर्क करना चाहिए? 60%। तो नीचे लिख दो डिसीजन, फैक्ट्री शुड ऑपरेट एट अ 60% प्रोडक्शन कैपेसिटी। फैक्ट्री शुड ऑपरेट एट 60% प्रोडक्शन कैपेसिटी। फैक्ट्री को 60% की कैपेसिटी पर ही वर्क करना चाहिए एट प्रेजेंट, तो ये आपको हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट करके देगा। आप समझे नहीं, इसने ये पूछा है। अच्छा उस पर 10 आ रहा है क्या? तो फिर तो आप लिख दो कि प्रेजेंट में ही करना चाहिए। अगर करंट का 10% आ रहा है तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए? ना तो 60 को लेना चाहिए ना 80 को लेना चाहिए, फिर तो हम करंट पोजीशन पर ही बने रहेंगे। इन दोनों में से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर इसको जब 50 से कंपेयर किया तो हमें यह पता लगा कि अभी हम करंट पोजीशन पर तो 10% नेट प्रॉफिट रेशियो पर काम कर रहे हैं। तो लिखो नेक्स्ट लाइन, बाय कंपेयरिंग नेट प्रॉफिट रेशियो ऑफ 60% वापस बताऊं। देखो सुनो मेरी बात, आपने प्रेजेंट को अलग कर दिया, मैंने एक बार ये अलग कर दो, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो प्रॉब्लम ये थी इन दोनों में मुझे 53-53 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैंने इनका नेट प्रॉफिट रेशियो निकाला, तो नेट प्रॉफिट रेशियो से मुझे यह पता लगा कि इन दोनों में से मुझे 60% पर ऑपरेट करना चाहिए। क्लियर यहां तक? करंट वाले को छोड़ दो, अनुश्री वापस से सुनना मेरी बात को, मेरे पास ये प्रेजेंट है और दो प्रपोजल हैं, ये तो प्रेजेंट है और दो प्रपोजल हैं, तो मैंने सबसे पहले प्रपोजल्स को कंपेयर किया और बाय कंपेयरिंग द प्रपोजल मुझे यह पता लगा कि दोनों प्रपोजल में मुझे प्रॉफिट एक सा मिल रहा है। लेकिन जब मैंने नेट प्रॉफिट रेशियो निकाला तो इसका नेट प्रॉफिट रेशियो 9.01 है और इसका नेट प्रॉफिट रेशियो 7.51 है। यहां तक क्लियर? तो मैंने इन दोनों में से सेलेक्ट कर लिया 60 को। बोलो यहां तक अनुश्री क्लियर है क्या? बिल्कुल यस। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये देखा कि अगर मैं प्रेजेंट पे ही वर्किंग करता हूं तो मैं अभी 10% नेट प्रॉफिट रेशियो कमा रहा हूं, अगर कैपेसिटी बढ़ाता हूं तो प्रॉफिट रेशियो गिर रहा है, तो अब मैं क्या लिखूंगा? तो लिखोगे अगली लाइन, बाय कंपेयरिंग बेस्ट प्रपोजल विथ प्रेजेंट कैपेसिटी, बाय कंपेयरिंग बेस्ट प्रपोजल
विथ प्रेजेंट कैपेसिटी बाय कंपेयरिंग बेस्ट प्रपोजल विथ प्रेजेंट कैपेसिटी कॉमा वी कैन कंक्लूड कॉमा वी कैन कंक्लूड दैट फैक्ट्री मस्ट वर्क वी कैन कंक्लूड दैट फैक्ट्री मस्ट वर्क एट करंट वर्किंग कैपेसिटी एट करंट वर्किंग कैपेसिटी दैट इज 50%। करंट वर्किंग कैपेसिटी दैट इज 50%। बोलिए क्लियर है बिल्कुल। तो देखिए ये कुछ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं आपके पास, कर लिया हो तो हटा देता हूं मैं ये, आगे आपको कुछ और क्वेश्चंस दे देता हूं करने को। जून 2010 आपको करना है, जून 2010 क्वेश्चन 4B। उसके बाद ये आपको करना है दिसंबर 11 क्वेश्चन 2A, दिसंबर 11 क्वेश्चन 2A। उसके बाद जून 12 क्वेश्चन 5A, उसके बाद आपको करना है जून 13 5A, उसके बाद आपको करना है दिसंबर 2013 क्वेश्चन 1C, फिर आपको 1C और ये 1D,
फिर करना है दिसंबर 14 1A। बहुत है इतने क्वेश्चन आज के लिए, और 1D, A और D दोनों करने हैं। ठीक है ना, तो कल करना ये वाले क्वेश्चंस, फिर हम कुछ और कल एक क्वेश्चन करेंगे और फिर कुछ और होमवर्क दे दूंगा, तो कल अप्रोक्सीमेटली आपका स्कैनर भी कवर अप हो जाएगा सारा।